हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। चलिए आज रउआ सबनी के बनाई बहुत ही टेस्टी सब्जी, वो भी हरा प्याज के, बहुत ही हेल्दी होखेला और बहुत ही टेस्टी होगी और बहुत ही सिंपल तरीका से, आसान तरीका से बहुत झटपट तैयार हो जाए। पहले देखिए हरा प्याज के होला जो एक रखे आसानी से निकाल दी, आलू के साथ फ्राई हो जाए, उसके बाद पत्ता के अलग काटब, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। चलिए तो इस तरीके से पहले प्याज के रख ले हम और उसके बाद इस डंठल के पहले पूरा काट के निकाल लिए एक रखे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर जाए। इस तरीका से पूरा प्याज के निकाल लिया ही। प्याज के अलग के एक तरह के प्याज निकालिए या पत्ता के अलग कर लिए। चलिए तो प्याज के अलग काट ले बनी, अब एक तरह के छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लिया ही। छोटा छोटा जैसे साग काटा जाला उस तरीका से छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए एकदम बारीक। देखिए तो इस तरीका से प्याज के काट लिया ही। सारा प्याज के पत्ता काट के आराम से एक रखे साफ कर लेवे के बाद, अब ये वाला जो प्याज बा एक रखे बारीक बारीक चॉप कर लिया। लंबा लंबा इस तरीके से प्याज के चॉप कर लेवे के बाद। चलिए तो प्याज हमने के अच्छा से काट ले बनिए, और साथ में आलू भी एक से डेढ़ को आलू ले ले हम और प्याज। चलिए अब एक रखे बनावल जाओ। बनाए खाते एक कढ़ाई बिठा दी, उसमें डाल दिया ही तेल, तेल के अच्छा से गरम हो जाए दे हम तब तड़का डाल जाए। तेल जब अच्छा से गरम हो जाए तो इसमें डाल दे हम थोड़ा सा जीरा, जीरा के अच्छा से चटक जाए दे हम। जीरा जब अच्छा से चटक जाए तो डाल दिए हरी मिर्च, उसके साथ हरी मिर्च के साथ हमी के जो प्याज बारीक कट ले रही जाओ ओकरा के डाल के अच्छा से भून लिया ही। हल्का लाल होके तकले प्याज के भूनल जाए उसमें आलू डाल के भूने के बाद, ये चलते ज़्यादा प्याज के नीचे भूने के हल्का सा भूने के लाल होके तक। प्याज हल्का सा लाल हो गई बा, हमी के प्याज के अच्छा से भून लेनी जा, उसमें डाल दिए जो आलू हमी के कट कर ले जाए छोटा छोटा टुकड़ा में, अगरा को थोड़ा सा भून लिए ताकि आलू जो कच्चा रहे ना हल्का सा भुना जाए। दो से तीन मिनट भुने के बाद ज़्यादा नहीं थे आलू के भुने के, आलू जब दो से तीन मिनट अच्छा से भून ले हैं तो इसमें डाल दिए हमने के लहसुन के पेस्ट, लहसुन अदरक ना केवल लहसुन के पेस्ट, और दो मिनट भून लिया है ताकि ये लहसुन अदरक और लहसुन के कच्चापन निकल जाए। दो से तीन मिनट के बाद इसमें मसाला ऐड कर लीजिए, हल्दी पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हरी मिर्च हमने के तड़का में दे दे ले रही जा, उसके बाद धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्का सा गोलकी पाउडर, ज़्यादा गोलकी पाउडर ना, उसके बाद थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा हल्का सा पानी दे दिया मैं, टमाटर ना डाला। अब मसाला के अच्छा से भून लेवे के बाद मसाला के वो जैसे सब्जी में मसाला फ्राई करेगा उस तरीका से मसाला फ्राई करे के बाद इसमें डाल दिए स्वाद अनुसार नमक, काहे कि प्याज में अगर प्याज डाल के नमक डालम तो प्याज क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा और गल के थोड़ा सा हो जाए, तो स्वाद के अनुसार ही नमक डालम। और मसाला के अच्छी तरीके से भूनम, जब मसाला अच्छी तरीके से भुना जाए तो इसमें जो प्याज हमने के कट ले रही है ओकरा के डाल के अच्छा ला ले बेक भाई, में पानी ऐड नीचे करे के खुद ब खुद अच्छा से पक जाए प्याज के ही साथ। हरा प्याज से पानी छोड़ेला इसीलिए हमें पानी ऐड ना करिए। अब इसके मीडियम आंच पे ढक के थोड़ा देर पे चला चला के पकाए के बाद देखिए तो हल्का हल्का इस तरीका से पानी छोड़ दे बेला, ये पानी ही से आलू और सब्जी
दोनों पक के तैयार हो जाए, इसमें पानी की जरूरत ना पड़ेगा। अब एकरा के हल्का सा कवर करके ढक ढक के पकाए के बरुआ, ढक्कन खोल खोल के देख लेवे के बाद देखी तो इस तरीक़े से पानी अपने आप प्याज छोड़ देवेला, हमने के सब्जी भी अच्छा से तैयार हो गई बा। अब एकरा के गैस के बंद करके रुआ के हरा भरा प्याज के सब्जी के रेसिपी देनी। चलते रहो, अब ये सब्जी के किसी के चीज़ के साथ खा सकते नहीं, रोटी चावल दाल और पराठा पूड़ी के साथ भी आराम से रुआ खा सकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि हमारी रेसिपी अच्छा लगा हो, तभी मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर रुआ सोनी का बहुत बहुत धन्यवाद।